Hello my dear friend, welcome back once again on your YouTube channel Just Knowledge. हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, उसके दौरान हमने एम लक्ष्मीकांत सर की बुक के अनुसार प्रथम चैप्टर प्रथम अध्याय को समाप्त किया था. आज हम दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर में किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण किया गया और किस तरह से हमारा संविधान बना था और उसे लागू किया गया था. तो अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो उसको भी जा करके देख सकते हैं. उसको मैंने तीन भागों में छोटे छोटे डिवाइड किया है जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी हो. ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है संविधान का निर्माण यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा कि किस प्रकार से संविधान को बनाने में कुछ चीज़ें कुछ घटनाएँ घटित हुई थी. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की मांग. संविधान सभा की मांग आखिर में कब उठी थी, इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे. तो मैंने आपको ये पहले चैप्टर के पहले वीडियो में भी बताया था कि MN राय जो कि वामपंथी आंदोलन के एक नेता थे, उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के गठन के लिए 1934 में अपनी राय रखी थी. 1934 में उन्होंने ये बताया था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए. फाइनली 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई. 1934 में MN राय जी ने केवल राय दी थी संविधान सभा के बनाने के लिए. उसके बाद में 1935 में कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये मांग रखी कि संविधान सभा का गठन किया जाए. तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जो कि एक कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने यह बताया था कि संविधान सभा के लिए जो मेंबर होंगे, मीन जितने भी सदस्य चयन किया जाएगा, जिन सदस्यों का संविधान सभा के लिए, उन्हें चूज किया जाएगा वयस्क मताधिकार के द्वारा, मीन्स वोटिंग के द्वारा. जिस प्रांत से जो लोग आएंगे वहां के लोगों के द्वारा चुनकर ही उन्हें शामिल किया जाएगा संविधान सभा में. उसके अलावा उन्होंने एक और शर्त रखी थी कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इनका मानना था कि जो संविधान बनेगा वो भारत के लिए बनेगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि अगर भारत के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा तो ये भारत के लिए बेहतर होगा. इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ये दो मांगें रखी थी. फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे स्वीकार किया और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसे पास किया. फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक मंत्री जिनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, इन्होंने संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप को लेकर के भारत में आए थे. स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर थे और मंत्री भी थे, मिनिस्टर भी थे, ये एक प्रारूप को लेकर के 1942 में भारत में आए. इस प्रारूप को हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार कर दिया था, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इस क्रिस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि दो संविधान सभाओं की मांग थी इनकी, इसलिए क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट नेशन चाहते थे, एक भारत और एक पाकिस्तान. उसके बारे में मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि लॉर्ड माउंटबेटन की ये योजना थी कि दो भारत का किस तरह से बंटवारा किया जाएगा. उसमें ये माना गया था हालांकि कि जात के आधार पर यह बंटवारा किया जाए या धर्म के नाम पर दो दो देशों का निर्माण किया जाए, इस प्रकार की कुछ मांग रखी गई थी. मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा तो फाइनली इन्होंने जाकर के इसे अस्वीकार कर दिया था. अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं. इसके बाद में जब इन्होंने अस्वीकार किया मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि मुस्लिम लीग ने, तो ब्रिटिश ने एक दूसरा कैबिनेट मिशन के नाम से नई संविधान सभा बनाने के लिए एक अपनी कमेटी को भेजा था भारत में. हालांकि उसमें जो पहले क्रिस प्रस्ताव था उसमें कुछ संशोधन किया गया और फाइनली जाकर के मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया था. हालांकि वो अभी भी अपने मांग पे डटे हुए थे कि दो संविधान सभा चाहिए हमको, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक संतुष्ट हुए और संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया था. अब बात करते हैं संविधान के निर्माण की यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की. देखिए आपको क्या करना है कि वीडियो को केवल पहले थोड़ा सा समझना है अच्छे तरीके से, उसके बाद में अपने हिसाब से कोशिश करना है कि नोट्स आप खुद बनाएं. अगर आप नोट्स खुद बनाएंगे तो आपको बेहतर क्लियरिटी होगी, उसके बाद में आप
रिवीजन भी करते रहेंगे तो बिल्कुल पॉलिटी एकदम समझ लीजिए आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो संविधान के निर्माण की बात करते हैं हम लोग। फाइनली जा करके 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि संविधान सभा में कुल जो मेंबर थे उनकी संख्या जो थी वो 389 थी, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस के, मीन्स ऐसे भारत के हिस्से से थे जहां पर डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश का शासन था। उसके अलावा 93 मेंबर ऐसे थे जो देसी रियासतों से आए थे, जो हमारे टेरिटरी थी, जो हमारे राजे रजवाड़ों की रियासतें थी, वहां से 93 मेंबर को चुना गया था। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि प्रांत तथा देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई थी, मीन्स जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, मीन्स ब्रिटिश प्रांत थे, उसके अलावा जितनी भी देसी रियासतें थी उनकी जो जनसंख्या थी, बेसिकली ये माना गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा। तो प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर ही सीटें आवंटित की गई थी। फिर यहां पर तीसरी विशेषता इसकी देखते हैं, ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदाय के बीच किया गया था। ये कौन प्रमुख तीन समुदाय थे? एक था हमारा मुस्लिम, दूसरा था हमारा सिख और तीसरे थे हमारे सामान्य। सामान्य का यहाँ पर अर्थ क्या है? सामान्य में वो लोग शामिल थे जो मुस्लिम या सिख नहीं थे, मीन्स मुस्लिम और सिख के अलावा जितने भी लोग थे वो सामान्य की श्रेणी में रखे गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो चौथे इसकी विशेषता थी कि जो प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था, ये माना गया था कि प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चयन होता है, ठीक वही व्यवस्था की गई थी इनके चयन के लिए भी। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में जो पहले राउंड की वोटिंग होती है उसके बाद सेकेंड राउंड की, वहां तक तो थोड़ी जो परिस्थिति होती है वो अनुकूल होती है, मीन्स वो थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन अगर कभी उसमें थर्ड राउंड की वोटिंग होती है तो वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, तो वहां पे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बेसिकली इसी की बात की है कि किस प्रकार से काउंटिंग होती है। अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं, तो आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है। फिर फाइनली हम बात करते हैं देसी रियासतों की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि देसी रियासतों की तरफ से, मैंने आपको पहले ही बताया कि देसी रियासतों की तरफ से 93 मेंबर चुने गए थे। तो देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनका चयन इलेक्शन के आधार पर नहीं हुआ, मीन्स वो इलेक्ट नहीं किए गए, मीन्स वहां के जो राजा थे, जो वहां के रजवाड़े थे, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्टली भेज दिया था। हालांकि सबसे पहले वो लोग ये चाहते नहीं थे, मीन्स जो देसी रियासतों के राजा थे वो चाहते नहीं थे कि संविधान सभा में भाग लिया जाए। इसके पीछे का रीजन ये है कि उन्हें पता था कि भले ही उनका प्रांत छोटा हो लेकिन अभी वो वहां के पूरे स्वामी हैं, मीन्स उनका जो पूरा क्षेत्रीय, जो उनका पूरा क्षेत्र है जिस पे उनका शासन है वो डायरेक्ट रूप से वही कर रहे हैं। लेकिन वो, उन्हें ये आभास था कि जब संविधान बन जाएगा और पूरे भारत एक हो जाएगा उस समय वो सेकेंडरी रूलर हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र का, संघ का शासन हो जाएगा उनके ऊपर। इसीलिए वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे संविधान सभा में जाने के लिए। ठीक है, फिर फाइनली मैंने आपको बताया कि सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसमें सभी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे, मीन सभी जातियों को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी कम्युनिटी के लोगों को इसमें शामिल किया गया था संविधान सभा में। यह एक बहुत ही अच्छी बात थी। तो उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली किस प्रकार से हुई थी। तो पहली बैठक, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, तो ध्यान रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। हालांकि मुस्लिम लीग वाले फिर अड़े हुए थे, उनकी जो मांग थी उस पर वो अड़े हुए थे, तो उन्होंने इसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया था, मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार कर दिया। फिर जो हमारे संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, वरिष्ठ सदस्य को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया है ये हमने फ्रांस के संविधान सभा से लिया था। फ्रांस का जब
कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो वहां पर जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको उसका मेंबर बनाया जाता था। तो वहीं से हमने इसको अडॉप्ट किया था और उसी के आधार पर हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया था। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और उसके अलावा दो उपाध्यक्ष थे, एक थे हमारे डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और उसके अलावा थे बी.टी. कृष्णमाचारी, इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब संविधान सभा हमारी गठित हो गई थी तो उसमें उस समय भारत के लगभग जितने भी नेता थे, मीन जो थोड़े से पॉपुलर थे, वो सभी लोग उसमें शामिल थे। लेकिन उस समय हमारे भारत के एक जो हमारे राष्ट्रपिता हैं वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, मेरा मतलब है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ। देखिए, जब संविधान सभा का निर्माण हो गया था तो संविधान सभा के जो मेंबर थे, देखिए गांधी जी का उस समय सभी लोग पूरे देश में, जो गांधी जी का नाम भी नहीं सुने थे वो भी लोग गांधी जी का बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे। तो संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे वो लगभग जब जाते थे संविधान सभा में तो एक बार गांधी जी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आते थे। तो एक बार जगजीवन राम जी जब गांधी जी के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए तो गांधी जी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है इस संविधान सभा से आपको। तो गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी उस समय जगजीवन राम जी से। गांधी जी ने कहा था कि जगजीवन, तुमने जब तुम संविधान का निर्माण करना, जब संविधान में नियमों को शामिल करना, तो तुम अपने जीवन में उस व्यक्ति के बारे में सोचना, भारत में तुमने जिस सबसे दीनहीन व्यक्ति को देखा होगा अपने जीवन में, भारत में, उसके बारे में सोचना कि ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए संविधान में कि जिससे उस सबसे गरीब, उस सबसे दीनहीन व्यक्ति की भी मदद हो जाए, मीन्स उसके लिए भी संविधान में कुछ ना कुछ हो। यह गांधी जी ने कहा था जगजीवन राम को जब उनके पास, वो संविधान सभा में जाने से पहले, पहली बैठक के पहले उनके पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। हालांकि एग्जाम से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। फिर हम लोग बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। अब जानते हैं आखिर में उद्देश्य प्रस्ताव था क्या। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में यह बताया गया था कि किस प्रकार से हमारी संवैधानिक संरचना होगी और उसके बाद में किस तरह से हमारे संविधान को बनाया जाएगा, मीन जो एक जैसे मूवी का आप लोग ट्रेलर देखते हैं, ठीक कुछ उसी तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रेलर को देख के आप लोग जान जाते हैं कि मूवी कैसी होगी। उसी प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था उसको देख के आप लोग उसमें बता सकते हैं कि हमारे संविधान में किस प्रकार से इसकी संरचना की जाएगी। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से इसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 22 जनवरी को सर्वसम्मत से इसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि संविधान सभा में अब धीरे धीरे देशी रियासतें भी शामिल होने लगी थी। सबसे पहली बात इसकी जानिए कि संविधान सभा में धीरे धीरे जितनी भी देशी रियासतें थी वो भी अब शामिल होने लगी थी। उसके बाद में 1947 का जो अधिनियम आया था उसके द्वारा सभा में तीन परिवर्तन किए गए थे। तो ये क्या परिवर्तन थे इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे जो पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन था वह यह था कि सभा को एक संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई संविधान बना सकती थी। ठीक है, देखिए हमारे संविधान को बनाने से पहले लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था। ठीक है, उसके बाद ही हमारा संविधान बनाया गया था। तो संप्रभु निकाय का यहां पर तात्पर्य है कि एक ऐसा देश या एक ऐसी संस्था कि जो अपने डिसीजन स्वयं ले सके, मींस उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पंडित नेहरू जी यही चाहते थे कि इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप ना किया जाए संविधान को बनाने को लेकर। तो वही कहा गया कि सभा को संप्रभु निकाय बनाया गया था जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। ठीक है, अब बात करते हैं सभा के कार्यों के बारे में। सभा के कार्यों के बारे में बात करें तो उस समय संविधान सभा के दो कार्य थे। देखिए, 1947 में हमारा भारत आजाद हो चुका था तो तत्कालीन सरकार की भी एक जरूरत थी, मीन्स तत्कालीन कुछ नियम की जरूरत थी जिसको लागू किया जा सके। तो इसीलिए संविधान सभा की जो बैठक होती थी वो दो प्रकार से होती थी। एक बैठक तो होती थी जब संविधान बनाने के लिए होती थी, उसकी अध्यक्षता जो करते थे वो हमारे
प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके अलावा जो इसकी दूसरी बैठक होती थी वो था कि आम कानून लागू करना, मींस उस समय जो भारत की स्थिति थी उसके अनुसार उस पर किस तरह से शासन किया जाए, किस प्रकार से नियम कानून बनाया जाए और उसे लागू किया जाए, उसके लिए जो बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर जी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, फाइनली क्या हुआ इसके बाद में, 1947 में जब पाकिस्तान बन गया तो मुस्लिम लीग के सदस्य मीन मुस्लिम लीग के ऐसे मेंबर जो पाकिस्तान से जुड़े हुए क्षेत्रों से थे, मीन जो एरिया पाकिस्तान में चला गया था उसमें जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक संप्रभु निकाय था। उसके अलावा संविधान सभा के दो कार्य होते थे, एक संविधान बनाना, एक आम कानूनों को लागू करना, और फाइनली जाकर के मुस्लिम लीग के मेंबर जो कि पाकिस्तान से जुड़े क्षेत्रों से थे वह इस संविधान सभा से अलग हो गए। उसके अलावा नोट में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। ठीक है, 1949 में भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया था। कॉमनवेल्थ मीन्स इंग्लैंड की जो कि एक संस्था थी, तो कॉमनवेल्थ के अंडर वो आ गया, मीन्स ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। उसके अलावा 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अडॉप्ट किया गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सबको ध्यान रखिएगा। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत दोनों को भारत में अपनाया। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। उसके अलावा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को। और फाइनली जाकर के जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और कुछ बेसिक चीजें आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिनों में हुआ था, तो इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। मैंने आपको बताया कि कुल मिला के लगभग 60 देशों के संविधानों को निरीक्षण किया गया था, उसके अलावा जाकर के हमारे संविधान को निर्माण किया गया था। एक बात ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को इसकी आखिरी बैठक हुई थी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में चीजें अगले अध्यायों में बताऊंगा कि जैसे हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि भारत के संविधान से और अन्य देशों के संविधान में क्या प्रावधान है, इसके बारे में थोड़ा सा करेंगे हम लोग। जैसे जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि संविधान सभा उसके बाद में भंग कर दी गई थी लगभग, लेकिन बहुत से देशों में संविधान सभा अभी भी बनी हुई रहती है क्योंकि जो संविधान में संशोधन वगैरह किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं संविधान सभा के द्वारा ही सुझाए गए निर्देशों के अनुसार ही किए जाते हैं। तो उन सबके बारे में हम लोग आगे के अध्याय में बात करेंगे, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में। देखिए, समितियां काफी महत्वपूर्ण हैं और इनसे बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में। तो कितनी समितियों का गठन किया गया था, 8 बड़ी समितियां थी, उसके अलावा अन्य छोटी छोटी समितियां थी। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग हिंट ले लेते हैं कि कौन कौन सी समिति थी और उनके कौन कौन से अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संघ समिति की। संघ समिति की अध्यक्षता कर रहे थे नेहरू जी। उसके अलावा हमारी थी संघीय संविधान समिति जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ही कर रहे थे। फिर हम बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति की। तो आप लोगों ने अगर पोस्ट इंडिपेंडेंट मीन्स इंडिया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद के भारत के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि नेहरू जी ही सॉरी सरदार पटेल जी ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जितनी भी भारत के 562 रियासतें थी छोटी छोटी उनको मिला करके एक किया था और एक यूनियन बनाया था, मीन्स इंडियन यूनियन की जो रचना की गई थी वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही अभूतपूर्व योगदान था सरदार पटेल का। तो इसीलिए जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी कर रहे थे। फिर मैंने आपको प्रारूप समिति के बारे में बताया। प्रारूप समिति जो मेन थी संविधान के निर्माण के लिए वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंबेडकर जी ही इसके मेन लीडर थे और अंबेडकर जी को ही हमारे भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। फिर जो प्रक्रिया होगी जो नियम होगा उसको चलाने के लिए प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन भी सभाओं का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही करते थे। तो मैंने आपको बताया कि प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से था हमारी प्रारूप समिति।
ठीक है, प्रारूप समिति जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी और इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। आप लोग इस डेट को भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी इसे ही दी गई थी। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रारूप था, मीन्स जो ट्रेलर होता है मूवी का, वो समझ लीजिए कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था इसी समिति ने, प्रारूप समिति ने ही। फिर सभी समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद में संविधान का प्रारूप फाइनली तैयार किया गया और 1948 में प्रकाशित इसे कर दिया गया था। मेन जितनी भी सारी समितियां थी उन्होंने अपनी अपनी राय संविधान के बारे में दी थी और उसी पर प्रारूप तैयार किया गया था। फाइनली इसको जाकर के 1948 में प्रकाशित किया गया। उसके बाद में इसमें कुछ संशोधन किए गए। फिर दूसरा प्रारूप जो है वो अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया और प्रारूप को तैयार करने में कुल मिला के 6 माह का समय लगा था और 141 बैठकें हुई थी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं संविधान हमारा जो है वो अस्तित्व में कब आया था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। 5 दिन तक संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई। उसके बाद में यहां पर एक देखने वाली बात है कि 7653 संशोधन के प्रस्ताव आए थे। मीन जब संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया कि क्या क्या चीजें शामिल की जानी है, क्या नहीं शामिल की जानी है, तो इसके बाद में इसमें संशोधन के लिए 7653 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 2473 पर ही चर्चा हुई थी, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा संशोधन के, अमेंडमेंट के बहुत ही ज्यादा प्रस्ताव आए थे, लेकिन केवल 2473 पर ही चर्चा हुई। उसके बाद में दूसरी बार जो सभा है ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली थी। फिर तीसरी बार इस पर चर्चा हुई थी 14 नवंबर 1949 को। फाइनली जाकर के संविधान के प्रारूप पर ही बेस्ड एक प्रस्ताव को पास किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, जो था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट। इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था फाइनली जाकर के। फिर 29 नवंबर 1949 को इस प्रस्ताव को पास किया गया था, मीन्स जो ये हमारा प्रस्ताव है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ट, इसको 29 नवंबर 1949 में पास कर दिया गया था। और जब हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, कब, 26 नवंबर 1949 को। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, मीन्स जो संविधान सभा है उसके द्वारा इसको प्रस्तुत कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। उस समय जो हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। उसके बाद में हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं संविधान का प्रवर्तन। तो संविधान का जो प्रवर्तन कब लागू किया गया था, तो संविधान के जो कुछ प्रोविजन थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे, लेकिन फाइनली जाकर के 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया। फाइनली जाकर के इसको इम्प्लीमेंट किया गया या इसको लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए 26 जनवरी का यहाँ पर सवाल उठता है कि जब 26 नवंबर को ही सब हो गया था तो 26 जनवरी को क्यों अडॉप्ट किया गया। इसके पीछे का रीजन यह है कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, कब, 26 जनवरी को। इसीलिए जो हमने अपना संविधान को एक्सेप्ट किया था, जो अडॉप्ट किया था फाइनली, वो हमने कब किया था, 26 जनवरी 1950 में, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लेते हैं कि जो सिंबल है हाथी, वो प्रतीक के रूप में चुना गया था संविधान सभा के। उसके अलावा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी इसके प्रमुख सुलेखक थे। इन्होंने इटालियन शैली में हमारे संविधान को लिखा था। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो हमारा मूल संविधान है वो इंग्लिश में लिखा गया था, इटैलिक शैली में इंग्लिश में लिखा गया था। बाद में इसका हिंदी संस्करण जो आया वो बसंत कृष्ण बैद के द्वारा इसको अनुवाद किया गया अंग्रेजी संस्करण का हिंदी में। तो इस तरह से हमारा दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कहीं भी जरा सा कुछ डाउट हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके किसी भी सवाल का जवाब देने में। आप लोगों ने अपना